गाइस वेलकम टू रोहित बाजी। और काफ़ी दिनों के हेक्टिक शेड्यूल से आज देहरादून, कल शाम को हम देहरादून पहुंच गए थे और आज मैं देहरादून, कुछ प्लान बने शाम को। और हमारे साथ है हेलो गाइस पंडित जी, सोडा पंडित जी, ये दगड़ी सभियों को टिपड़ा जुड़ा दिया। तो पंडित जी आज हमारे साथ है, तुषार द्वारका डिमरी, और अभी इनको भूख सी लगी है तो हमने सोचा कुछ खा के आते हैं, कुछ खा के क्या, इनको खिला के आते हैं। और आज रात को मूवी का भी प्लान बनाया पंडित जी ने, आज मूवी चलेंगे तो मूवी भी जाएंगे आज कम से कम लॉकडाउन के, मतलब लॉकडाउन के बाद ही, लगभग एक साल बाद आज मूवी भी देखेंगे पहली बार। और अभी इतने दिनों से शोज चल रहे थे और तबीयत भी खराब हो गई है, जुकाम लगा हुआ है जैसे कि आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ से। और पहले प्रताप विहार था, फिर बेताल घाट गए, फिर दिल्ली वापस लोनी गाजियाबाद में था, तो मौसम की वजह से जुकाम, सर्दी जुकाम लग गया, तो वो ठीक हो जाएगा। मगर आज मूवी वाला प्लान बना है तो उसी के लिए जाएंगे। पंडित जी रेडी? रेडी, आज देखेंगे मूवी। कौन सी मूवी? मास्टर विजय, साउथ की। साउथ की मूवी, हिंदी डब्ड देखेंगे। तो फिर चलते हैं, अभी तो फिलहाल पंडित जी को भूख लगी है, तो कुछ खिलाते हैं इन्हें। तो दोस्तों हम आ गए खा पी के, पंडित जी के साथ गए थे और खा के आ गए, थोड़ा बहुत जो उन्हें खाना था, चाउमीन एंड चाउमीन ही खाई वैसे पंडित जी ने, और हाँ बन टिक्की जो फेमस है देहरादून में वो भी खाया। और बाकी अब हम मूवी के लिए निकल रहे हैं। और रंजन रेडी? यस, ऑल सेट। चलो फिर चलो यार, लेट हो जाए। तो गाइस हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर का तो दिखाने पाएंगे बट यार रास्ते का दिखाते हैं। और गाइस हमारा जो प्रोग्राम था प्रताप विहार में, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत भीड़ थी वहाँ, और पहला शो था हमारा लॉकडाउन के बाद, और बहुत मज़ा आया प्रताप विहार में। वहाँ के लोगों से, जो भी आए थे, सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जो वहाँ की संस्था के अध्यक्ष थे हमारे नितेश भट्ट जी, उन्होंने ये हमें एक बहुत सुंदर सा एक कोलाज फोटोज का दिया है, और वे बहुत ही अच्छा, ये कोलाज आप देख सकते हैं पूरा, इसमें मेरी भी फोटोज़ है, अबू भाई की है, मम्मी की है, और किशन भाई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, और ये गिफ्ट उन्होंने दिया, और थैंक यू सो मच नितेश भट्ट जी को और पूरी प्रताप विहार की जो सारी जनता थी उनका थैंक यू सो मच। और जो हमारे और भी संस्था के लोग थे उन सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाकी कोशिश है और उम्मीद है जल्दी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। तो अब हम निकल गए हैं और अपना, मुझे जुकाम बहुत लगा हुआ है, मेरे से बोला भी कम जा रहा है, बट ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग नहीं आया था। और मुझे तो लग रहा है पंडित जी लेट होगी मूवी के लिए। नहीं, लेट नहीं हुई अभी, अभी हम टाइम से निकले हैं और टाइम से पहुंचेंगे। मुझे लगता तो नहीं है, 7:30 का और 7 बज रहे हैं अभी, बहुत जाम अगर मिलेगा। जाम, हाँ जाम नहीं, जाम मिला मिलेगा यार, जाम मिलेगा, मिलेगा जाम से ही मिलेगा, बस जाम ना मिले तो हम पहुंच सकते हैं दोस्तों, वरना आज बनेगा हमारा पोपटलाल भिड़े। कौन है तारक मेहता पोपटलाल भिड़े? पता नहीं क्या है, पोपटलाल अलग है, भिड़े अलग है, भिड़े भिड़े अलग है, पोपटलाल बने, पोपटलाल पोपटलाल बन जाएगा हमारा। और चलो फिर और क्या बात है, जितनी गाड़ियां आ रही उस हिसाब से देख लेना, जाम लगेगा देखने। हां अरे यहीं से लगा लेना, अभी नहीं देख रहा जब हम जा ही रहे थे यू टर्न के लिए कितना जाम सा है। गाइस हम इधर पहुंच चुके हैं अपना क्रॉस रोड मॉल में, और शो शुरू हो चुका है। भागो 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 यार, शो शुरू हो चुका है, हम लेट हो गए थोड़ा सा, बस हो गया शो शुरू, हो गया शो शुरू, हो गया गाइस लेट हो गए हम थोड़ा सा, और अब शो ख़त्म होने के बाद मिलते हैं, क्योंकि अंदर ले जाएंगे तो पायरेसी का हमें इल्जाम लग जाएगा। क्यों शालू? Yes, तो not allowed. और फिर जल्दी मूवी के बाद मिलते, जल्दी चल दो जल्दी। तो दोस्तों मूवी अपनी हो गई है ख़त्म, मास्टर मूवी देखी थी हमने, साउथ की मूवी है,
हिंदी डब्ड में, और ये मेरे लाइट मैन है देखो दो जो मुझे लाइट दे रहे हैं, जो मुझे लाइट दे रहे हैं क्योंकि अंधेरा बहुत है। तो मॉल से अब निकल ही गए हैं और अच्छी अच्छी मूवी रही, बहुत बढ़िया मूवी थी। तुषार कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया थी, मजा आया। चलो बहुत बढ़िया था। तुषार का जो बर्गर था बहुत ही गंदा था। तुषार ने एक बर्गर मंगाया था वेज बर्गर, वो बहुत ही गंदा निकला, और हमने चिकन बर्गर मंगाया था जो कि बहुत अच्छा था। और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, निकलते हैं और बस फिर कुछ नहीं, जुकाम भी लगी रहा है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे नाक बंद हो जा रही है। तो चलो गाइस आगे दिखाता हूँ, नीचे उतरते हैं। जब गाइस ये जो हमारे क्रॉस रोड मॉल की जो लिफ्ट है सबसे मस्त है, ये देखिए वो बैकग्राउंड तो दीवार निकल गया, बैकग्राउंड निकल गया दोस्तों। बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, वही मैंने मिस कर दिया। और अब आ चुके हैं पार्किंग, उधर है उधर पार्क, गाड़ी पीछे है, इधर है हमारी गाड़ी, यहाँ है गाड़ी। ये आप सुन सकते हो साठ डिग्री का म्यूजिक, हर चीज में म्यूजिक है, हर जगह म्यूजिक है, ऐसे ऐसे होटल करो सभी म्यूजिक है। चलते हैं गाइस। गाइस पहुंच गए घर के नीचे और अभी पार्किंग में मॉल की तुषार पार्किंग वाले में भड़क गए थे। हैं तुषार 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा था ना। वो एक्स्ट्रा टाइम के एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था। तुषार ने कहा कैसे ले सकते हो तुम, और मालिक को बुलाओ, सीधा मालिक से बात। सीधा कह रहा सीधा मालिक से बात करूंगा मैं, मुझे मालिक के पास ले जाओ। 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं ना वो। अभी भयंकर सीन हो गया था तुषार का, जैसे तैसे तुषार जी को फिर हम वो डालते हैं, हम भी जैसे तैसे तुषार को मनाया, प्रैंक गोज रॉन्ग, हम वो डालते हैं। घर पहुंच गए हैं गाइस और जल्दी नए गाने आने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया गाने आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे लाएंगे, और अच्छे अच्छे गाने आप जैसे प्यार दे रहे हैं, आप जैसे जैसे प्यार दे रहे हैं गानों को और वैसा ही प्यार देते रहेंगे, और कोशिश रहेगी कि जो आप पसंद करते हैं वैसे ही गाने हम लाएं। और तुषार का भी एक भजन, तुषार और मेरा भी एक भजन आने वाला है बहुत जल्दी जो कि तुषार द्वारका डिमरी यूट्यूब चैनल से आएगा, तो उसको भी आपने बहुत सारा प्यार देना है। और दबा के ठोक के लाइक कीजिए रोहित चौहान ऑफिशियल और रोहित बाजी को, और तुषार द्वारका डिमरी के चैनल से वो भजन आएगा, बहुत अच्छा भजन है और आप लोगों को जरूर बहुत पसंद आएगा। तो जल्दी मिलते हैं भजन के साथ। गाइस अभी पिक्चर देख के आए हैं और घर पे होम क्रिकेट भी चालू हो गया क्रिकेट का, जैसे कि मैं बहुत शौकीन हूँ, पहले ब्लॉग्स में भी देखा होगा बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो क्रिकेट चल रहा है और तुषार को मैंने 3 मिस करवा के आउट कर चुका है। अब तुषार की बारी है, बातचीत क्या है ना, थोड़ा कभी भी नहीं करवा पाओगे, करवा देंगे खिलाड़ी कहते हैं। मैं भी खिलाड़ी हूँ, देखो स्ट्रेट ड्राइव, वो तो मैं जरा घर का थोड़ी जगह छोटी है पर रहा, तो मैं लंबे लंबे छक्के, इसकी तेरी छह पे कितने मारे, सच सच बता। नहीं मारे आपने, सच सच बता, दिल से मैंने आपकी छह वालों पे छह छक्के मारे, सच सच बता कितने मारे मैंने आपकी छह वालों पे, छह छक्के मारे मैंने इसकी छह बॉल पे, छह छक्के मारे हुए सेम मैंने भैया की छह पे, जो छक्का सा खा लो जरा पब्लिक के सामने, किसने मारे, मैंने मारे, कसम खा ले। ओ गाइस भाई आप कभी आउट नहीं कर पाओ, सो क्लोज दैट वाज, सो क्लोज वनडे को तो आउट कर लेता, वनडे को तो मैं मारता ही क्यों,
ट्वेंटी होती तो यही थी तब जाती। ओए सो क्लोज, दैट वाज क्लोज दीदा, दैट वाज सो क्लोज। तो गाइस हमारा क्रिकेट ऐसे चलता रहेगा, आप लोग भी खाना खाइए सो जाइए और हम भी चलते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रोहित बाजी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और थैंक यू सो मच, बाय बाय।